तो कॉमेडी वीडियोस के थंबनेल या फिर अपनी वीडियोस के थंबनेल या मेरी तरह थंबनेल आप कैसे बना सकते हो, मतलब मेरी वाली थंबनेल्स के ऊपर तो इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई, मुझे पता ही नहीं था कि इतने पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना ही रहा था कि कैसे आप थंबनेल्स को बना सकते हो, तो उसमें मुझे एक चीज़ ध्यान है कि जो मेरी ऑडियंस है, काफ़ी सारे लोग फ़ोन से ही अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस को एडिट करते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं फ़ोटोशॉप की जगह आपको फ़ोन पे थंबनेल्स बनाना सिखा देता हूँ, ताकि जो आपका बेसिक्स है वो सारा क्लियर हो जाए। और अगर आप सिर्फ फ़ोन से एडिट करते हो तो आप फ़ोन से भी अपनी वीडियोज़ के थंबनेल बहुत शानदार बना पाओ। इस वीडियो में देखो, मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ फ़ोन के अंदर, कैनवा। आप चाहो तो पिक्सआर्ट भी यूज़ कर सकते हो। पिक्सआर्ट मैंने बहुत पहले यूज़ किया था बचपन में, लेकिन मुझे पता है कि उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही चीज़ें उसमें जो आपको थंबनेल बनाने में काम आएगी। तो आज जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वो कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं हम कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर बेसिकली सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले ही देखने को मिल जाते हैं। अगर इन टेम्पलेट्स में से कोई आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं तो आप वो यूज़ कर लो, वरना आप डायरेक्ट ब्लैंक टेम्पलेट जो है यूज़ कर सकते हो। अब यूट्यूब के थंबनेल्स का जो साइज़ होता है वो 1280x720, वो हमें कैनवा में भी ईजिली मिल जाता है। चाहे तो आप कस्टम भी कर सकते हो, लेकिन हमें यूट्यूब का यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब यूट्यूब थंबनेल का जैसे इन्होंने सजेशन में दे दिया, हमें हमारी ये जो ब्लैंक स्क्रीन है हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बेसिक स्टेप सिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना होता है। एक तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर लगाने की, आपके बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा। अगर तो आपकी वीडियोस कॉमेडी है तो आपको थोड़े कलरफुल बैकग्राउंड रखने चाहिए, जैसे रेड, येलो, ब्लू, लाइट ब्लू, तो इस तरीके के थोड़े फन वाले। अगर आपकी वीडियो हॉरर है तो आपको थोड़े रखने चाहिए डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, इस तरीके के। अगर आपकी टेक वीडियोस है तो आपको पर्पल, थोड़ा सा मतलब अलग शेड के, इस तरीके से अलग अलग शेड्स के कलर होते हैं कि कौन सा किस तरीके की कैटेगरी में फिट होता है। तो आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। अब जैसे मुझे कॉमेडी वीडियो के लिए बनाना है तो मैं एक येलो कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये हमारी गैलरी में हम गए और ये हमारा बैकग्राउंड है। अब इसको हम अपने पूरे रेजोल्यूशन पे ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। देखो, वीडियो के बीच में तीन चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं, जिसके लिए ये वीडियो रुकी है यहाँ पे। ये कि पहली चीज़, ये थंबनेल हम फ़ोन से बना रहे हैं, इसके आगे हम बहुत सारे थंबनेल्स बनाएंगे फोटोशॉप पे, कि कॉमेडी वीडियोज़ के थंबनेल कैसे बनाने हैं, टेक वीडियोज़ के थंबनेल कैसे बनाने हैं, व्लॉगिंग के थंबनेल कैसे बनाने हैं। ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियोज़ आएंगी, थंबनेल की सीरीज़ आएगी पूरी। तो वो सीरीज़ देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस पर सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि इसको हमेशा थोड़ा सा ब्लर रखना है। अब बैकग्राउंड को ब्लर आप रखोगे तभी जो आपके सामने करेक्टर्स हैं वही सारे निकल के आएंगे, अच्छा निखर के आएंगे। तो हमें वही चीज़ चाहिए कि जब किसी का ध्यान पड़े तो हमारे बैकग्राउंड पे ना पड़े, बैकग्राउंड के सामने क्या चीज़ है उसके ऊपर पड़े। एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको 0 ही कर देता हूँ और आप इसको यहाँ से ब्लर से हम थोड़ा सा, सारा नहीं हल्का सा हम ब्लर कर देंगे। ये 11 पे मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप फ़ोन में करने लगते हो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसका भी एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली इसको मिनिमाइज़ करो अपने टैब को। जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है, अपने गूगल पे जाओ, रिमूव बैकग्राउंड टाइप करो, ये पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी remove.bg। इस पे सिंपली अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दो, जो भी फ़ोटो आपको चाहिए। मैंने ऊपर कर रखी है लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल के लिए दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। कोई भी फ़ोटो हमें चाहिए, मान लो कि ये फ़ोटो हमें रिमूव करना है, इसका बैकग्राउंड ये सीधा अपलोड हो रही है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ये अपने आप हमारी फ़ोटो का बैकग्राउंड देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। हमें HD में डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली छोटे फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो गई, वापस से हम कैनवा में जाएंगे। अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो गैलरी में हम रिसेंट पे जाएंगे तो देखेंगे जैसे ऊपर हमारी ये फाइल आ चुकी है जो हमने अभी अभी इसमें डाउनलोड करी थी। अब इसको हम ड्रैग करके पोजीशन सेट कर सकते हैं जैसा भी हमें चाहिए। आप इसको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अब जैसे मुझे यहाँ पे रखना है इसको। इसके लिए देखो, मैं एक चीज़ और रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप थंबनेल बनाने बैठे उससे पहले जो थंबनेल की फ़ोटोज़ है उनको अलग से क्लिक कर लें। ऐसा मत करिएगा कि वीडियोज़ के अंदर से आप स्क्रीनशॉट्स उठा रहे हो, उसमें क्लियर फोटो आपको कभी भी नहीं मिलती है। तो आप अगर फोटोज़ खिंचवाएंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये फोटो हमारी लग गई। अब इसके साथ साथ आप चाहो 4 फोटो और लगा दो, 5 फोटो और लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितने भी आपको लगानी है आप लगा सकते हो, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट पे कि हमें टेक्स्ट भी लिखना है।
आप चाहो तो जैसे साथ में स्कूल की कोई फोटो भी लगानी है आपको, तो आप यहाँ सिंपली टाइप करो, आपको पीएनजी कैनवा की तरफ से ही बहुत सारी मिल जाएंगी। और जैसे ये फोटो हम लगा लेते हैं, ये हमने ड्रैग करके छोटी कर दी, बड़ी कर दी, जहाँ पे भी आपको रखनी है। अब जैसे मान लो कि आपने स्कूल की फ़ोटो ऊपर रख दी, लेकिन आपको चाहिए अपनी जो आपकी फ़ोटो है उसके पीछे ये फ़ोटो रहे, यानी कि स्कूल की फ़ोटो आपकी फ़ोटो के पीछे रहे, तो सिंपली आपको वही पोजीशन में आपको जाना है और यहाँ पे आप बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे, देखेंगे कि आपकी फ़ोटो आगे आ गई और स्कूल की फ़ोटो पीछे चली गई। देखो, जो यूट्यूब पे मैं आपको थंबनेल बनाने की चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और वही सारी चीज़ें हम आपको YouTube के सेशंस में सिखाते हैं। और उन्हीं सेशंस में कल हमारी क्लास थी थंबनेल्स की, थंबनेल्स के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पर्टिकुलर आपको YouTube पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और थंबनेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलती है, कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है, क्या आपके चैनल पे कमी है, क्या चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें आप ग्रो करने के लिए, वो सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जो फीडबैक है दूसरे लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, वो फीडबैक भी आप हाईलाइट्स पे आपको दिख जाएगा। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहां पे हम टेक्स्ट लिख देंगे कि हाउ टू मेक कॉमेडी वीडियोस, हाउ टू मेक थंबनेल्स। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, इतने आपको चाहिए भी नहीं होंगे लेकिन यहाँ मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। टेक्स्ट यूज़ करते हुए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो बड़े ही सिंपल से हो, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े करोगे यूज़ तो वो पढ़ने में दिक्कत आती है लोगों को। तो टेक्स्ट इतने सिंपल होने चाहिए कि जब आप यूज़ करें उनको तो दूसरा बंदा जब उनको देखे तो एक ही झलक में वो समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं हमेशा सिंपल से टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। अब जैसे टाइटल पे हम लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में हाउ टू, बस इतना मैं लिखूँगा, पूरा एक ही लाइन में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया हाउ टू और नीचे लिख दिया मेक कॉमेडी वीडियोस। आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इनका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं पूरा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अनग्रुप कर देते हैं पहले हम इनको अलग अलग। अब हाउ टू का हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट हमें चेंज करना है तो फ़ॉन्ट में हम गए, यहाँ से हम अलग अलग फ़ॉन्ट्स देख लेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद हम इनका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड येलो है तो आप कोशिश करो उसका अपोजिट कलर से आप ट्राई करो रखने की, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, थोड़ा सा पर्पल में हो गया, इस तरीके से कोई भी कलर आप रख सकते हो। अभी के लिए जैसे मैं इसको अगर रेड भी रखूं या फिर मुझे ब्लैक भी अच्छा लग रहा था तो मैं ब्लैक में रख सकता हूं। मेक कॉमेडी वीडियोज़ का टेक्स्ट मैं अलग करूँगा, कलर मैं इनका रेड रखूँगा या फिर ब्लू मैं रखूँगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा कि ये अभी कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, ये सब बढ़िया दिखेगा साथ साथ ही, उसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, उसके बाद इसके हम शेडो भी दे सकते हैं, तो इफ़ेक्ट्स में जाएंगे हम तो शेडो हमें जैसे और भी ऑप्शन हमें दिख रहे हैं तो इस तरीके से, लेकिन हमें इसको जैसे मैंने पहले बताया कि सिंपल रखना है तो शेडो इसकी ही रखेंगे हम। शेडो को चेंज भी कर सकते हैं हम। अब जैसे इसका हम थोड़ा सा इसका सबसे पहले शेडो का कलर हम ब्लैक कर देंगे तो ताकि हमारी शेडो जो है अच्छे से नज़र आए। हम ब्लर इसका हम कम कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ा देंगे इसकी। इसके साथ साथ डायरेक्शन भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको फ़र्क दिखने लगे, जहाँ पे आपको ठीक लगे तब वो कर सकते हैं। अब हाउ टू मेक कॉमेडी वीडियो आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसके साथ साथ हमें यूट्यूब का थंबनेल भी लगाना है, यूट्यूब का आइकन लगाना है, तो आप सिंपली एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे अगर यूट्यूब सर्च करेंगे तो YouTube के आइकन हमें काफ़ी सारे अलग अलग मिल जाएंगे, हम कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इसका साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये हमने लगा दिया। ये बेसिक एक जो आइडिया मैंने आपको दिया कि थंबनेल कैसे बनाना है, ये आपका थंबनेल बन चुका है। ध्यान रखिएगा कि कलर्स जो हैं आपके मैच करने चाहिए, एक दूसरी चीज़ से अपोजिट होने चाहिए, कि अगर आपका बैकग्राउंड रेड है तो रेड के ऊपर आप दोबारा से कोई रेड चीज़ मत रखिएगा क्योंकि वो टेक्स्ट छुप जाते हैं। वही सेम चीज़ अगर आपके येलो है, येलो के ऊपर येलो मत रखिएगा, येलो को रेड से रखो, ग्रीन को ऑरेंज से रखो, इस तरीके से आप ऑपोजिट कलर्स की चीज़ें रख सकते हैं और टेक्स्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद सिंपली आप इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए हम यहाँ सेव एज इमेज करेंगे और ये हमारा थंबनेल जो है बनके तैयार हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी क्रिएटिविटी। इसमें जो मर्जी चीज़ ऐड कर सकते हो, आगे पीछे सब रखने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।